शांति। आज 29 अगस्त 2020 के दिन साकार बाप दादा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। मीठे बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। तो बाबा ने बताया उत्तर में, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। अपने लिए यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। शक्तियों का वर्षा लिया था, फिर से ले रहे हैं। तो इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। सब सतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे, सब राजा थोड़े ही बनेंगे, ये सोचकर कम पुरुषार्थ करना या कम पदवी के लिए पुरुषार्थ करना, तो बाबा कहते इतना ऊंचा ज्ञान लेकर भी ऐसा सोचना तो मूर्खता है। तो इसीलिए ये अपने प्रति शुभ भावना रखनी है। गीत है आज, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, चित चैन पाए जहां ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। ये है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है, और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब भक्ति के हैं। भक्ति करते करते बैगर बन गए हैं, तो वे बैगर्स फकीर और हैं। तुम और किस्म के बैगर्स हो, वो बैगर्स फकीर और तरह के होते हैं। और तुम जो बाबा कहते बैगर बन गए, वो गुण शक्तियां चरित्र सब कुछ गंवा बैठे थे। दुनिया वाले पैसे मांगने वाले बैगर्स की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते कि तुम और किस्म के बैगर्स हो, तुम अमीर थे, बहुत माला माल थे, अभी फकीर बने हो। ये किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हम विश्व के मालिक अमीर थे, विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। आज दोनों भाइयों को याद किया है ना, अमीर चंद फकीर चंद, ये दो तरह की आत्माएं होती है ना। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब ये पढ़ाई है, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न भी धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है, काम की जो चीज नहीं होती उनको जलाया जाता है। जो चीज काम की नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता तो उनको आग में जलाते हैं, आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है, हुआ तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए। मैं शरीर हूँ बस यही याद रहता है, मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है, चाहे देह भान में आ गए आत्मा तो तब भी अमर है, और जब आत्मभिमानी स्थिति में रहते आत्मा तब भी अमर है। आत्मा तो अमर है, अमरनाथ बाप आकर हम आत्माओं को अमर बनाते हैं।
वहां तो अपने समय पर, सतयुग में अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है, जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है, सर्प का मिसाल है, अभी तुम जानते हो, यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं, त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है, सतयुग में फुल आयु होती है, त्रेता में कुछ ना कुछ आयु कम हो जाती है, सतयुग में फुल आयु होती है, लगभग 150 वर्ष, और त्रेता में लगभग 125 और उससे कम हो जाती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, हर चीज जहां सतो प्रधान होगी सतयुग में भी पहले पहले आए, हर चीज नई मिलेगी, तो वहां ताकत रहती है, तो अकाल मृत्यु नहीं होती, ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र रहना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का ही वर्षा ले रहे हैं। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पाप आत्मा भगवान से ताकत नहीं खींचती है। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। तो ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए, अपने लिए तो बहुत पॉजिटिव सोचना है, बहुत शुभ भावना रखनी है, ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना, नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही तो सतो प्रधान बनेंगे, ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सभी मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तमो में भी प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। बाबा कहते तुम आत्माएं भी तमो प्रधान थे, आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सेवा भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनको मिलती है, क्योंकि उसमें जो आत्माएं आएंगी अपना चरित्र अच्छा बनाएंगी, भविष्य उज्जवल बनाएंगी, तो उनमें जो सुधार होगा उनका, उनके परिवार की, सबके आशीर्वाद मिलेंगे उनको, सबकी दुआएं मिलती हैं जो सेंटर खोलने के निमित्त बनते हैं। तो मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं ना कि कोई ना कोई भी आए और विश्राम पाए, तो आत्मा खुश होगी ना। सेंटर खोलने का मतलब तो बहुत बड़ा है ना, तो यूनिवर्सिटी भी है, हॉस्पिटल भी है, चरित्र निर्माण का कॉलेज है, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है, बनाना, उसकी मैनेजमेंट में सहयोग देना, तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में भी वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा,
मकान का सुख मिलेगा, ये बाबा कह रहे हैं जो धर्मशाला आदि बनाते हैं। आजकल तो धर्मशालाओं के बहुत रेट रखे हुए हैं, बहुत कीमत देनी पड़ती है एक रात रहने की। पहले धर्मशाला का मतलब धर्म के नाम पर बहुत ही थोड़ी सी, सिर्फ उसकी मेंटेनेंस ठीक हो, बस इसके लिए थोड़ा बहुत लेते थे, बाकी वो फ्री में रहने के लिए होता था, जिसकी जितनी इच्छा है उतना देवे, ये भी उसमें था। तो धर्म के नाम पर वो उसको आश्रय दिया जा रहा है। तो बाबा कहते हैं दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा, उसे मकान अच्छा मिलेगा, हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, बुद्धि ठीक रहेगी पढ़ाई में। तो स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं। बाबा का कहने का भाव है स्वर्ग में इस तरह के पुण्य कर्म करने का कोई चांस नहीं है कि बीमारों के लिए हॉस्पिटल खोल दो, गरीबों के लिए कोई शेड बनवा दो या धर्मशालाएं बना दो ना, तो इस तरह की, या पढ़ने वालों के लिए, गरीबों के लिए अच्छा स्कूल कॉलेज खोल दो कि वो बिना धन खर्च किए पढ़ सकें, ऐसा कुछ भी चांस नहीं है स्वर्ग में। तो बाबा कहते कि हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी होगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी, स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल कोर्ट पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं, ऊंचते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर भी राय थोड़ी लेंगे, राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसीलिए फिर विनाश का ही रास्ता ढूंढते रहते हैं। बुद्धि खराब हो गई फिर विनाश कैसे हो, बाबा कहते वही रास्ते ढूंढते हैं। खुद समझते हैं, साइंस के ऐसी ऐसी चीजों की खोजबीन कर ली कि हम संसार को बहुत आगे ले जा रहे हैं, खुद समझते हैं कि हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु वह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे, गाया भी जाता है फॉलो फादर, राज्य करेंगे। जैसे जैसे बाबा ने पुरुषार्थ किया दैवी राज्य स्थापन करने के लिए, और फिर जो पाया वैसा ही हमें प्राप्त होगा, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं, तो समझाना भी ऐसे है कि हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं बन मानते, तो वह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है तो फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। पूरा कल्प वृक्ष सामने लाओ मन बुद्धि की आंखों के आगे, कि ऊपर चोटी में खड़ा है, ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली है, वापस जाने की तैयारी पूरी, नीचे क्या है वो तपस्या कर रहे हैं और उसके बाद सतयुग के लिए तैयार हो रहे हैं। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं, और कलयुग के अंत में बाबा ने उनको ही सेलेक्ट किया है, बिल्कुल कलयुग के एंड में ऊपर दिखाया कि वहां पर खड़े हैं
और फिर बाबा ने उनको सेलेक्ट किया शिव बाबा ने, और नीचे बिठा कर तपस्या कराई। बाबा कहते तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राज योग सीख रहे हो, कितना क्लियर है, इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से, याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते, फिर भी सच बोलते थे कि हम नहीं जानते, तुम भी तो आगे कुछ नहीं जानते थे। इन पांच विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पैनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। तुम सब बीके क्या कर रहे हो? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जिसके जितने लगन है भारत को स्वर्ग बनाने की अपने ही तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं, लोग पूछते हैं आपका पर्पस क्या है, ये फ्री में आपने प्रदर्शनी आदि लगाई है, इसके पीछे आपका क्या कारण है, क्या रहस्य है, तो क्यों करते हो, मकसद क्या है। बाबा कहते हैं कि उन्हें बताओ कि बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं, तो यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, इसमें ब्रह्मा में लोग जिनको बोलते हैं श्री श्री, बाबा ने आज अपने लिए बोला कि इसमें श्री श्री 108 बाप खुद निराकार सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं, माला तो बड़ी बनती है, उसमें 800 अच्छी मेहनत करते हैं, पहले 8 फिर 100 यानी 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबर वार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है, जरूर कुछ सर्विस की है तभी तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले, मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है, समझते हैं मैं फलाना हूँ, तो किसी को भी ये पता थोड़े ही है कि मैं आत्मा हूँ। बातें करेंगे आत्मा की बड़ी बड़ी, आत्मा को जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकते, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन ये नहीं जानते कि वो आत्मा मैं ही हूँ, और इस कॉन्शियस में टिकना है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, मैं आत्मा हूँ, ये जो नाम रखा है ये शरीर पर नाम रखा है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है, तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा
अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इनका भी अर्थ वे नहीं जानते, तुम अभी जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं, वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव, कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, तो वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उसको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्व का नाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, है तो बाबा भी, लेकिन बाबा हमारा मान बढ़ा रहे हैं कि तुम विश्व के नाथ बनते हो और बनाने वाला तो वही है। मैं बनता ही नहीं हूँ, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम ही बनते हो, तुम्हारा ही वो घर है। जैसे दुनिया में बाप कहता है बच्चों को, बेटा तुम्हारा ही तो घर है ये, तो तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ, ना ही मैं नाथ बनता हूँ। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा, मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, ऐसा ही बोलते हैं वो, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार सतनाम वाहे गुरु कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, इस तरह करके महिमा भी गाते हैं ना, गुर प्रसाद अजोनी सह भंग, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो अजोनी यानी जन्म मरण रहित, मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। ये कह रहे हैं, अपना अनुभव सुना रहे हैं कि भगवान मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। तो सोचिए बच्चों का क्या हाल होता होगा। तो इस दादा की आत्मा कहती है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो मेरी याद बहुत अच्छी रहती है। याद तो अच्छी रहती है, पर फिर भी बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि फिर भी याद पर अटेंशन देना है। नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वही मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ। बाबा को यह शरीर दिया, ब्रह्मा बाप कह रहे हैं कि शिव बाबा को यह शरीर दिया है, मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। पूरा मकान दिया है शिव बाबा को रहने के लिए, मैं तो बस एक कोने में बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना शिव बाबा, बड़ी आसामी है, बड़ा आदमी हुआ ना, किराए पर मकान दिया, किराया भी मोटा ही देगा, बहुत बड़ा अच्छा किराया। तो विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ब्रह्मा बाप कितना हल्का फील कर रहे हैं, कितना खुशी से प्यार से कह रहे हैं कि यहाँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका ही है। फिर बाबा कहते शिव, ब्रह्मा बाप बहुत खुश है कि मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, वह इनकी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं,
मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातरी करेंगे ना। बड़ा आदमी हुआ, विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है। शिव बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाप के लिए कि ये बाजू में मालिक बैठा है, रथ उनका है और शिव वह उनकी संभाल करते हैं। और ब्रह्मा बाप कह रहे हैं कि मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूँ। दो चार मिनट बाद भूल जाता हूँ। कितना प्यार से अपना अनुभव सुना रहे हैं दोनों, एक दूसरे के लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं। दो चार मिनट बाद भूल जाता हूँ, तब समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी। ब्रह्मा बाप जिनके बाजू में शिव बाबा बैठे हैं, खातरी भी करते हैं, अच्छा रथ की संभाल भी करते हैं, कितना नशा है कि सर्वशक्तिवान को पूरा शरीर किराए पर दिया हुआ है, मैं तो एक कोने में बैठा हूँ। तो बाबा कहते इतना सब होते हुए भी मैं भूल जाता हूँ, बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसीलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में ही तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कह भी फारकती दे देते हैं, बाप को अपना बनावंती, बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पश्यंती देखते भी हैं अपनी आंखों से, पश्यंती दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती। आज कुछ ज्यादा ही संस्कृत बोल रहे हैं बाबा। दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, स्वर्ग पश्यंती, रास करंती, अहो मम माया, फिर भी मुझे फारकती देवंती, भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, किसको याद किया। जो इतना सब करके भी बाबा को तलाक दे के भाग गए, चले गए, उनको देखो कितनी अच्छी संस्कृत बोल के बाबा याद करते हैं। तो बाबा कहते मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, रास्ता ही बताऊंगा ना मैं तो बता रहा हूँ, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, इसीलिए तुम्हारी बुद्धि में तो फिरते रहना चाहिए। 84 का चक्र माना स्वदर्शन चक्र। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, पिछाड़ी में यह अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से लव होता है, बट उनका तो है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करते हो, यही करना है तुम्हें, उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर है जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है। कई बार बाबा याद करते बहुएं भी हैं, साथ साथ बहुएं इकट्ठी रहती हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। आज भी दुनिया में ऐसे परिवार हैं, स्वर्ग की याद कराते हैं। कहां तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे,
तो कोई फिर और धर्म को मान किसी और धर्म को नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज भी हो पड़ते हैं। तो बाप कहते, इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन तुम्हें इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण करो, धन भी सफल करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे, श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, मैं तुम्हें इतने प्यार से श्रीमत दे रहा हूँ, उस पर चलने के लिए शक्ति भी देता हूँ, फांसी पर नहीं चढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते, एक तो कहते हैं पवित्र बनो, बस कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है ये छोटा सा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है, आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का यार प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है, तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है, एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे, कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है, कभी किसी बात से भी तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज वरदान दिया बाबा ने, बाप और प्राप्ति की स्मृति से जो बाबा ने दी है, करवाई है इतनी प्राप्तियां, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल ही होना चाहिए। मिल क्या रहा है देखो जरा, तो उसको लेने के लिए हिम्मत और उल्लास भी तो अचल होना चाहिए। अचल की बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, बस स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे, सदा नया उमंग नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना,
कोई भी सेवा बाबा दे, क्योंकि सेवा कोई देहधारी नहीं बता रहा आपको, बाबा ने दी है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति।